तो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और यह जानकारी मंगलवार को राष्ट्रपति भवन से जारी की गई है। आपको बता दें कि आयुष मंत्री श्रीपद नायक 12 जनवरी को कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में एक घायल होने के बाद से गोवा के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और इसलिए कदम उठाया गया है कि राष्ट्रपति भवन के बयान में कहा गया है कि श्रीपद नायक के अस्पताल में रहने और इलाज चलने तक किरण आयुष मंत्रालय का भी प्रभाव संभालेंगे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि यह व्यवस्था नायक के कामकाज संभालने तक जारी रह सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।